नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद, देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। दुबई दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार, 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर की होगी बचत। दुबई सरकार की दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो पूरी तरह पेपरलेस है। अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख अमदान मोहम्मद बिन रशीद अल मकतोम ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 1.4 करोड़ श्रम घंटों की बचत होगी। शेख ने एक बयान जारी कर बताया कि सभी आंतरिक व बाहरी लेन देन और दुबई सरकार में सभी प्रक्रियाओं अब 100% डिजिटल हो गई हैं और व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा प्लेटफॉर्म से उनका प्रबंधन किया जा रहा है। इस लक्ष्य की उपलब्धि जीवन के सभी पहलुओं को डिजिटलाइज करने की दुबई यात्रा के नए पड़ाव की शुरुआत है। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत को मिला मिस यूनिवर्स का खिताब। सुष्मिता और लारा ने भी बड़ा देश का मान, भारत के लिए गौरव का पल आ गया है। हरनाज संधू ने साउथ अफ्रीका और परागावे को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर लिया। 2017 में हरनाज ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। टॉप 3 प्रतियोगियों से सवाल पूछा गया था कि आप दबाव का सामना कर रही हैं, महिलाओं को क्या सलाह देंगी। इस बार हरनाज संधू ने जवाब दिया, आपको यह मानना होगा कि आप अद्वितीय हैं और आपको खूबसूरत बनाती है। बाहर आए अपने लिए बोलना सीखे क्योंकि आप अपने जीवन के नेता हैं। देश भर में खुशी की लहर है। हरनाज ने पहले भारत की ओर से दो सुंदरियों ने भी देश का मान बढ़ाया है। चोरी की गाड़ियों के सबसे बड़े बाजार पर पुलिस का एक्शन। बेरठ के सोतीगंज मार्केट के करीब 100 दुकानदारों को पुलिस ने 91 CRPC के तहत नोटिस जारी की है। पुलिस ने कहा है कि अगले 5 दिनों में नोटिस का जवाब दे, तब तक दुकानों को बंद रखें। दरअसल पुलिस का GST की चोरी के स्पेस पास बेचने की सूचना के बाद नोटिस जारी की है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ कुछ कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र में आने वाले सोतीगंज बाजार वाह बाजार है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि चोरी के वाहन काटे जाते हैं और फिर उनके पास बेचे जाते हैं। पुलिस काफी समय से इस बाजार माफिया जो चोरी का सामान बेचते हैं और चोरी के वाहन काटते हैं, उन पर शिकंजा कस रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब के बैन के फैसले पर भड़का दारुल उलूम। सऊदी अरब के तबलीगी जमात पर बैन में दारुल उलूम भड़क गया है। वहीं जमात ने भी बयान जारी कर कहा है कि वह किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं रहा है। सऊदी अरब के तबलीगी जमात का द्वार बताकर बैन करने के फैसले पर विरोध होना भी शुरू हो गया। जमात पर दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसका विरोध किया है। दोनों संगठनों ने इस फैसले के पीछे पश्चिम साजिद बताते हुए पवित्र संगठन का बदनाम करने का पदयंत्र बताया है। जमात ने सऊदी के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि निर्णय के पीछे पश्चिम की प्रभावशाली ताकत है जो रियाद के मुस्लिम उम्मा के रिश्ते खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नागालैंड फायरिंग पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजा लेने से किया इनकार। नागालैंड के मोन जिले में सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज के एक असफल अभियान के दौरान 14 युवाओं को दुखद मौत के एक हफ्ते बाद पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने फैसला किया है कि जब तक सेना के आरोपी जवानों को न्याय प्रक्रिया के दायरे में लेने की कार्रवाई नहीं हो जाती तो विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक कोई सरकारी मुआवजा नहीं लेंगे। मुंबई डांस बार में पहुंची पुलिस तो गायब हुई डांसर। मुंबई पुलिस ने एक डांस बार में छापा मारकर गुप्त है खाने में 17 बार गर्ल्स को रेस्क्यू किया है। बार में तय खाना मेकअप रूम के दीवार में लगे शीशे के पीछे गुप्त रूम बनाया गया है। तय खाने तक पहुंचने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। शीशे को हथौड़े से तोड़ने के बाद तय खाने का रास्ता मिला है। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने शनिवार रात मुंबई के अंधेरी इलाके की दीपा बार में छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक गुप्त रूप में डांस बार चलने की सूचना मिली तो जिसके बाद कार्रवाई की गई। 10वीं की छात्रा लापता। काजल नाम की एक 10वीं की क्लास की छात्रा स्कूल से गायब हो गई है। लापता छात्रा को उसकी मां ने सुबह 8 बजे स्कूल छोड़ा था। 2 घंटे बाद वो पेन लेकर आने की बात कहकर स्कूल से निकल गई। बाद में टीचर को उसका बैग में एक लेटर मिला जिसमें लिखा है कि मुझे मत ढूंढना, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेटर मिलने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और छात्रा की माँ और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नई मंडी थाना पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर बच्ची की तलाश में जुट गई है। छोटे भाई की गला दबाकर हत्या। नागौर में पबजी और फ्री फायर की लत के चलते एक नाबालिग ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी।
लाउनी में 16 साल के एक किशोर ने अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबा के हत्या कर दी, लाश जमीन में गाड़ दी। इसके बाद असम में बैठे मृतक के अंकल का फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। सोमवार सुबह लाउनी पुलिस ने आरोपी नाबालिग को डिटेन कर उसकी निशानदेही पर गांव के तालाब किनारे जमीन में गड़ी लाश बरामद कर ली है। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया को झटका, भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरे के लिए टीम इंडिया 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका की उड़ान भरेगी। इसमें पहले टीम इंडिया का बड़ा झटका लगा है। टेस्ट टीम के उप कैप्टन रोहित शर्मा मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए। रोहित को ये चोट तब लगी जब थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट राघवेंद्र की गेंद में सीधा उनके हाथ पर जा लगी। इस चोट पर अपडेट का इंतजार है। भाई की जगह बहनों ने निभाई रस्म। कटरीना कैफ और विकी कौशल 9 दिसंबर को राजस्थान में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के बाद अब तक विकी कटरीना अपनी शाही शादी कई फोटो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर चुके हैं। अब हाल में ही कटरीना ने शादी की कुछ नई फोटो शेयर की है। इन फोटोज में वे लाल लहंगा पहने अपनी बहनों के साथ नजर आ रही हैं। फोटोज के साथ कटरीना ने अपनी बहनों के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा है। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।